हमनी के संस्कृति, हमनी के संस्कार सदा रहे हमनी के साथ। भारत के महान ग्रंथ और काव्य सबके संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। प्रार्थना की खुशबू साइकिल प्योर अगरबत्ती। पूज्य महर्षि वशिष्ठ, ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र, महाराजा दशरथ, इस सभा में हम आपके स्वागत करत हैं। अब हमार कुलगुरु मान्यवर शतानंद जी इस सभा में उपस्थित गुरुजन के सामने विवाह के प्रस्ताव रखी। महाराज जनक के प्रतिज्ञा के अनुसार शिव धनुष के भंग होते ही राजकुमारी सीता के श्री राम से विवाह हो गल माने के चाही, जकरा से आर्यावर्त के दू महान कुलन के नाता जुड़ गल बा। फिर भी धर्म और लोकाचार के नीति के अनुसार महाराज जनक आप सबके उपस्थिति में अपना पुत्री सीता के विधि पूर्वक और धर्म पूर्वक कन्यादान कल चाहत हवन, जेकरा खातिर महाराज जनक आपके आज्ञा चाहत हैं। यह बात आपके पुत्र श्री राम भी कहलन हा कि पिता के आज्ञा मिलला के बाद ही सीता के पानी ग्रहण करी हैं। तब आप ओकरा खातिर आज्ञा प्रदान करी त लग्न पत्रिका सोधल जाए। पूज्यवर सतानंद जी, आपके वचन से हम कृतार्थ भइली। जे प्रस्ताव आप प्रस्तुत कैली वो हमरा खातिर गौरव के बात बा। ए शिष्टता खातिर हम महाराज जनक के भी अभिनंदन करत हैं। हमके अपना पुत्र राम पर भी बहुत गर्व बा, परंतु महाराज जनक जानत हो खब कि इक्ष्वाकु कुल के देवता आप महर्षि वशिष्ठ हैं। हम गुरुदेव से प्रार्थना करत हैं कि आप हमार मार्गदर्शन करें। महाराज जनक, विवाह व्यक्तिगत कार्य ना हो, ये एक सामाजिक संस्कार हो। केवल एक स्त्री और एक पुरुष के गठबंधन के ही विवाह ना कहल जाला, काहे कि वह दोनों व्यक्ति के साथ उनकर समाज, उनकर कुल, उनकर धर्म जुड़ल रहेला। विवाह के अर्थ है दू कुल के उनकर आचार विचार के, उनके संस्कृति के संगम। ऐसे आपसे आपके पुत्री के हाथ मांगे से पहले हमरा खातिर आवश्यक बा कि हम महाराज दशरथ के कुल परंपरा के परिचय दी और आपके विश्वास दिलाई कि राजकुमार राम आपके पुत्री खातिर सर्वथा योग्य बाड़न। महाराज दिलीप के सुपुत्र भगीरथ देवलोक से गंगा के पृथ्वी पर लाके यह आर्य भूमि पर जो उपकार कैले हवन वो युग युगांतर तक उनका के अमर बनौले राखी। फिर यह कुल में रघु जिनके नाम से ही रघुकुल कहाई
फिर भक्त शिरोमणि अमरीश और उनकर पर पोता महाराज अज भैलन, महाराज अज के सुपुत्र महाराज दशरथ हवन, ऐसन यशस्वी कुल में उत्पन्न आर्य कुमार राम और लक्ष्मण खातिर हम आपके दोनों सुपुत्री सीता और उर्मिला के वरण करत हैं। मुनिवर, आपके उदार वचन से हम धन्य हो गईली। हम बड़ी विनम्रता के साथ अपन सीता के श्री राम खातिर और अपन छोट सुपुत्री उर्मिला के आर्य कुमार श्री लक्ष्मण खातिर रघुकुल के कुल वधु के रूप में समर्पित करत हैं। महाराज दशरथ, विदेह राज जनक ए आनंद मंगलमय प्रकरण के पूर्ण पटाक्षेप अभी नहीं खे भाईल। यदि महर्षि वशिष्ठ सम्मति दी तो हम अपना मन के उद्गार प्रकट करी। आज्ञा बा ब्रह्म ऋषि। राम और लक्ष्मण प्रणय सूत्र में बंध के अयोध्या जास और भरत रिपुदमन कुमारे रह जास, ईता उचित नहीं खे। महाराज जनक के छोट भाई शंकासा नरेश कुश धज के दो कन्या बाड़ी मांडवी श्रुत कीर्ति, हम ए दोनों सुकन्या के कुमार भरत और शत्रुघ्न बदे वरण के प्रस्ताव रखत हैं। ए प्रस्ताव के अनुमोदन हम कौन शब्द में करें? मुनिराज, आपके ए प्रस्ताव से पूरा निमी वंश धन्य हो गेल। कुशध्वज, अपन पुत्री मांडवी के कुमार भरत खातिर और अपन छोट पुत्री श्रुति कृति के कुमार शत्रुघ्न खातिर कन्यादान अवश्य करी है। फेरु यह शुभ कार्य में विलंब का है। शतानंद जी, चारों राजकुमार एक ही दिन दूल्हा बनस और चारों राजकुमारी के कन्यादान एक ही दिन होके ऐसन शुभ लगन देखी। दो दिन बाद उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र बा, वह दिन चारों विवाह संपन्न करे खातिर अति उत्तम लग्न बा। अयोध्यापति दशरथ, अब आप चारों राजकुमार के मंगल खातिर उनका से गौ दान करवाई, नांदीमुख श्राद्ध कर्म संपन्न करी, तत्पश्चात विवाह के शुभ कार्य आरंभ हुई। जैसा आज्ञा गुरुदेव। प्रणाम महारानी जी। महारानी जी, प्रतिदिन की तरह आजो महाराज के कुशल समाचार लेके जनकपुर से दूत आइल बा, परंतु आज महाराज आपके बदे एगो विशेष पत्रिका भी भेजले बानी। विशेष पत्रिका? जी महारानी जी। भरत के बिया? का कहे थे महारानी जी? राजकुमार भरत के बिया? हाँ हाँ, महाराज चारों राजकुमार के बिया तय कर देले बाड़न। अरे वे, कहाँ भागल जात है? वो आधा सिंगार छोड़ के हम आपके खातिर गजरा ले आए हैं। हट जा मंत्रा, अभी हमार लगे सिंगार के बिल्कुल समय नहीं खे। ये तो आपके बचपन की आदत था, हमेशा आधा सिंगार छोड़ के भाग जात रहनी। इतना बड़ रानी हो गई लू लेकिन अभी तक ये बचपना ना गयल। बचपना अभी तक? अरे मंथरा, अब तो हम सास बने वाली बानी। महाराज भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न के विवाह तय कर देले बाड़न। ब्याह? हाँ हाँ, हमरा भरत के ब्याह। हाँ हाँ, यह शुभ समाचार देवे हम दीदी के लगे जात है। हाँ, हाँ, अरे अरे सुना, अरे सुना तू लोग, ब्याह, हमरे भरत के ब्याह, भरत के ब्याह। दीदी दीदी, जनकपुर से महाराज के पत्रिका आयल बा। जनकपुरी से? वो कुशल तो बाड़न ना? वो तो कुशल बाड़न, किंतु आप पढ़ ही तो सही। तू तो पढ़ ले ले बाड़ू ना, अब तू ही सुना दो। तो सुनी, बाकी सुन के चौंक जाई। महाराज राम के संगे संगे लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न के भी ब्याह निश्चित कर दिलन। सच्चा? का? कई साँच बा,
कि महाराज चारों भाई की विवाह एक साथ निश्चित कर देलन। अरे यह तक के कई सुनावत रही, हम तो अभी तक पूरा बात भी न सुन ली। कहां केकरा से ए तीनों के विवाह हो रहल बा? हां कवना घर में केकरा से हो रहल बा? लक्ष्मण के ब्याह महाराज जनक के छोट की बेटी उर्मिला के संगे। और भरत और शत्रुघ्न के? महाराज कुशध्वज के दोनों कन्या मांडवी और श्रुतकीर्ति के साथ। अच्छा अरे सब चुप काहे हो गई लू? जा राजमहल में बदावा बजवावा, नगर में ढिंडोरा पिटवावा और अमाते से कहा कि अयोध्या के हर घर में मिठाई पिटवावल जाए। हम ब्राह्मण के बुलावत हैं, तोहनी दोनों से गौदान करवावे की हुई। जा जा तोहनी दोनों कुलाचार की तैयारी करा। जा तेल डाला डाला, जल्दी जल्दी करा, लावा दिया लावा दिया लावा। अरे अरे ये का करत हो मंथरा? आज आपके बेटा के ब्याह तय भइल बा, महल में दीपमाला ना जरी। पूछत हई कि का करत हई, कतना काम बा, ब्राह्मण के बुलावा भेजे के बा, प्रजा में धन धान दोनों बांटे के बा, गौ दान करे के बा, बहुत उ सब हो रहल बा। दीदी एह सब के सारा प्रबंध कर रहल बाड़ी। दीदी? हाँ महारानी कौशल्या? हाँ हाँ उनका जे करे के रहे आपन राम खातिर कर लेली, भरत खातिर केवल दिखावा करी हैं। उफ भरत आपके कोक के जन्मल हवन, भरत खातिर जे कुछ करे के बा आपके ही करे के पड़ी। मंथरा तुहार कुटिल बुद्धि कब्बो ना बदली, दीदी ता हमसे भी अधिक स्नेह करेली भरत के। करत हुई हैं, परंतु वो उनकर माई ता ना बन जाई हैं, माई के कुलाचार तो आपके ही करे के पड़ी। हाँ इते दीदी भी हमरा से कहले रही। हाँ अब समझ ली, अब सबसे पहले आप आपन पिता महाराज अश्वपति के संदेशा भेजा। देखी हा संदेशा मिलते पूरा कह कह देश दीपमाला से जगमगा उठी। भरत कौनो दोसर राजकुमार लेखा बाड़न का, उनकर ननिहाल के बराबरी के कर सकेला। हम साँच कहत हैं, इस संदेशा सुनते आपके पिता आपके भाई के एहजा भेज दी हैं। हाँ सचमुच पिताजी बहुत खुश हुई हैं। ओम गणानंता गणपति गुंधवामहे, प्रियानंता प्रियपति गुंधवामहे, निधिनंता निधिपति गुंधवामहे, ओम जानी गर्वधम्म। ओम गण बरात आ गई, बरात आ गई, द्वार पर दूल्हा आ गई लन, बरात आ गई। ठहर दीदी, हम अब ही बरात देख कर आवत आनी। आओ 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 चल। कुमारन संग
अभिलक्षम एकम नित्यम विमलमचलम सर्वधी साक्षीभूतम भावातीतम त्रिगुणरहितम सद्गुरुम तम नमामि वसिष्ठाय नमः विश्वामित्राय नमः आगतेभ्यो सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे पधारे, आप सब आसन ग्रहण करें। सतानंद जी, अब महाराज जनक से प्रार्थना करें कि राजकुमारी सीता के मंडप में बुला ली। जवान आज्ञा महर्षि। मधुर सरस अरु अति मन भा